महेंद्रगढ़ के गांव मालड़ाबाद स्थित जोहड़ में अज्ञात कारणों के चलते हजारों मछलियां मर गई, जिससे आसपास बदबू फैल गई। वहीं इससे बीमारी फैलने का खतरा भी पैदा हो सकता है, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना महेंद्रगढ़ के SDM संजीव कुमार को दी। ग्रामीणों ने प्रशासन से जोहड़ को खाली करवा कर साफ पानी भरवाए जाने और मछली मरने के असली कारणों का पता लगाए जाने की मांग की है। आपको बता दें, ये जोहड़ कीकर वाली जोहड़ी के नाम से जाना जाता है और इस जोहड़ को नहरी पानी से भरा जाता है। जोहड़ में जंगली जानवर, पशु और पक्षी पानी पीते हैं तथा शाम के समय ग्रामीण यहाँ पर घूमने के लिए भी आ जाते हैं। दो दिन से यहाँ मछलियाँ अज्ञात कारणों के चलते मर रही हैं। पूरा जोहड़ मरी मछलियों से भरा होने की वजह से चारों ओर बदबू फैल रही है और वातावरण प्रदूषित हो रहा है। दूसरा, मछलियों के मरने से पानी जहरीला हो जाने की भी आशंका है। वहीं गांव मालड़ा सराय के ग्रामीण जसराज ने बताया कि गांव के पंचायती जोहड़ में हजारों की संख्या में मछलियां मर गई हैं। पानी दूषित होने की वजह से या फिर बीमारी की वजह से मछलियां मरी हैं, इसके बारे में पता नहीं लगा है। वहीं ग्रामीण अमित ने बताया कि वह दो दिन से जोहड़ पर जा रहा है। दो दिन के अंदर जोहड़ में हजारों मछलियां मर गई। इस जोहड़ में पशु पक्षी पानी पीते हैं। पानी जहरीला होने की वजह से पशु पक्षी के मरने की आशंका है। प्रशासन से मांग करते हैं कि पानी की जांच की जाए और जोहड़ का पानी खाली करवा कर साफ पानी भरवाया जाए। मैं जसराज गांव मालड़ा से हूँ, महेंद्रगढ़ जिला है और हमारे गांव में ये एक जोड़ी है जो पूरे गांव की है, पंचायत के नीचे आती है और इसमें आज सुबह गए और कल भी गए थे तो मछलियों की मरने की जो संख्या है आज कई हजारों की संख्या में हो चुकी है। बहुत ज़्यादा मछलियां मर चुकी है इसमें। इसका जो पानी है उसको पता नहीं दूषित होने की संभावना है या हो सकता है कोई बीमारी आ गई हो, तो इससे संबंधित जो अधिकारी हैं उनसे हम मांग करते हैं कि वो आकर इस पानी की जांच करें और इन मछलियों की बीमारी की जांच का पता लगाए। अगर पानी किसी वजह से दूषित हुआ है तो इस पानी को खाली करवाया जाए। इसमें जो जंगल के जीव है, रोज है और बाकी कुत्ते बिल्ली वगैरह जो जंगली है सभी पानी पीते हैं और कई हजारों इसमें पशु पक्षी भी रहते हैं, तो पक्षियों के मरने की भी संभावना बन जाती है अगर पानी दूषित है। तो इससे संबंधित अधिकारी है वो आकर इसकी जाँच करें और इस पानी की दूषित है तो खाली करवाए और इन मछलियों को किसी गड्ढे में ले जाकर दबाए, नहीं तो बीमारी बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाएगी। तो प्रशासन को आपने अवगत करवाया, किसको अवगत करवाया अभी तक? पंचायत को हमने अवगत करवा दिया है, सरपंच हमारे यहाँ पर आ चुके हैं और गांव के मौजूद आदमी हैं उनको 5-10 लोगों को बता दिया है। और सुबह आए थे, बोले अभी आश्वासन देकर गए कि हम अधिकारियों को सूचित करेंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। सर, मेरा नाम अमित कुमार है, गांव मालडा है। ये हमारे पास कुएं के पास एक जोड़ी है, कीकर वाली जोड़ी बोलते हैं। इसमें आज सुबह देखी तो हजारों की संख्या में मछली मरी हुई मिली है। पता नहीं कोई अंदेशा है, हो सकता है इसमें कोई जहरीला पदार्थ किसी ने मिलाया हो या फिर यहाँ दूषित पानी होने की वजह से ये मरी हो। तो इस पर हम प्रशासन से काम मांग करते हैं कि इस जो यदि जहरीला कुछ पदार्थ मिला है तो उस पर कार्रवाई की जाए। यदि दूषित पानी है तो वो कैसे हुआ, उस पर भी पानी वालों अधिकारियों से हम मांग करते हैं कि वो ज़्यादा ज़्यादा इससे अच्छी कार्रवाई करके इसकी पूरी तरह ठीक करवाई जाए और इसे जो पानी है ये भाई एक बार बाहर निकलवाया जाए और मछली को एक गड्ढा में दबा दी जाए ताकि यहाँ पर बीमारी और दूर तक ना फैले। तो कोई यहाँ घूमने फिरने के लिए भी जोड़ी के पास आते हैं गाँव के लोग? हाँ, वो तो दिल्ली आते हैं, वो तो हम भी जाते हैं और भी आते हैं, वो तो कोई दिक्कत नहीं है जी। वहीं गांव मालड़ाबास के सरपंच प्रतिनिधि विजय सिंह ने बताया कि उनको सुबह जोहड़ में मछली मरने की सूचना लगी थी। जब वह मौके पर गए तो जोहड़ में हजारों की संख्या में मछलियां मरी पड़ी थी। इसके लिए SDM को सूचना दी गई। उनको जोहड़ खाली कर साफ पानी भरवाए जाने तथा मछली के मरने के कारणों का पता लगाए जाने के लिए निवेदन किया गया है। विजय सिंह, सरपंच प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत मालड़ाबास। मुझे सुबह पता चला कि किकरवाड़ी जोड़ी के अंदर बहुत सी मछलियां मृत पाई गई। मैंने उनको देखा, उनके फोटो बनाया और मैंने अधिकारियों से कहा कि जी इनका करके
देखा जाए उनको कुछ जो भी सहायता हो इनकी सहायता की जाए और इस गंदे पानी को निकलवाया जाए और इसमें स्वच्छ पानी अच्छा पानी डाला जाए जोड़ के लिए, मेरी यही रिक्वेस्ट है। तो कोई अधिकारी आया? अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया इनको देखने के लिए, इनको देखने के लिए आए जाए। तो आपको क्या लगता है किस कारण से मछलियाँ मरी पाई गई? इस कारण का कोई पता नहीं, भाई पानी में कोई गंदापन था, भाई कोई जहरीला कोई आया है, क्या चीज़ आई इसके अंदर। SDM संजीव कुमार ने बताया कि मालड़ा के जोहड़ में मछली मरने की शिकायत आई है, इसके लिए मत्स्य विभाग को जांच के लिए आदेश दिए हैं। आज ही मेरे पास शिकायत आई है कि मालड़ा गांव में कुछ मछलियां मर गई हैं, तो उसके लिए हमने फिशरीज डिपार्टमेंट को मैंने पर्सनल खुद बात की है और उनको आदेश किया है कि इसका समाधान इसका बताइए क्यों हुई है, इसकी इन्वेस्टिगेट करके बताइए और आगे ऐसा ना हो इसका भी सुनिश्चित किया जाए।